हे यार गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनादर व्लॉग। एक नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो फिलहाल गाइस, जहां पे मैं रुका था उस स्थान से थोड़ा सा दूरी पे चला आया और उस मैंने कुछ सामान ना फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर किया है वो जाके रिसीव करना है। लगता है दोस्तों वो पहुंच नहीं पाऊंगा टाइम पे, देखते हैं क्या होगा यार। फिलहाल यहाँ पे नहाने धोने के लिए कुछ भी नहीं यार, पीने के लिए पानी भी प्रॉब्लम हो रही, तो नहाने की बात छोड़ो। तो आज 2 दिन हो गए नहाए भाई, और नहाने के लिए कुछ भी साधन नहीं मिल रहा है। फिलहाल गाइस, अपने कपड़े मैंने पूरे धुल लिए और कपड़े वपड़े पूरे सूख हो गए हैं, और जस्ट ये देखो इधर कपड़े मैंने रख दिए एकदम। और अभी फिलहाल भाई लोग खाना बनाए हैं ये पेट्रोल पंप पे, और चल के खाना वाना खाते हैं, आपको दिखाते हैं। भाई लोग जो हैं उनसे बात भी कराते हैं एकदम बढ़िया से यार, मतलब खुद में इधर खड़ी है, मतलब आज का दिन एकदम बढ़िया से रेस्ट हुआ मस्त, और कपड़े वपड़े सारे एकदम धुल गए, फ्रेश हो गया, और क्या ही बात है, मतलब एकदम मस्त। अभी जो है ना आगे जाने का जो रास्ता एकदम बढ़िया है, क्योंकि खाने पीने की सारी सामग्रियाँ उपलब्ध हैं और एकदम मस्त है। तो अभी इधर चलते हैं जिधर खाना बना है, चलते हैं आपको। रोटी को पूरा एकदम मिक्स कर लिया गया छोटे छोटे टुकड़े में, और उसके बाद उसमें चीनी डाल दी गई है, और चीनी डालने के बाद कुछ इसमें गाय का देसी घी ऐड कर दिया गया भाई, और सेम यही उधर सामने वाले भाई को भी हो गए, सभी लोग इसी तरह खाएंगे। गाइस अभी चल रहा था भाई, और इधर यार खरबूजा दिखा, और काफी दिन हो गए खाए पिए भाई, तो अभी सोचा कि एक दादाजी थे इधर तो एक खरबूजा ले लेते हैं और कहीं पे छांव पे बैठ के अभी खाएंगे। तो अभी ये है, हेलो दादाजी, क्या नाम है आपका? हिनायतुल्ला। आपका छोटू क्या नाम है? मेरा अरमान। अरमान नाम है, ओके। तो देखो इनकी एक छोटी सी सब्जी की शॉप है, इधर कुछ है ये वाटरमेलन, इधर मस्क मेलन, ककड़ी वगैरह सारा कुछ ये देखो रखा है। तो अभी एक खरीद लेते हैं, देखते हैं, और उसके बाद फिर चलते हैं कहीं पे खाते हैं बैठ के आराम से। तो बने रहे ब्लॉग में, चलते हैं आगे। तो गाइस काफी देर बाद ना यार देखिए गांव देखने को मिला, और रेत में आपको गांव देखने को मिला तो फिर आप सोच सकते हैं कैसा लगता है। और इधर देखो भाई, मतलब क्या ही बताऊँ, एकदम बढ़िया लग रहा है। और फिलहाल इधर जब गांव मिलता है ना तो एकदम बढ़िया लगता है भाई, क्योंकि रेत में ना फंस जाओ और उसके बाद अचानक गांव दिखे तो कितना बढ़िया लगता है। पानी वानी पीने की सारी कुछ व्यवस्था उपलब्ध हो गई है एकदम बढ़िया सी। और ये सामने का नजारा, जस्ट चल रहा था भाई और यहाँ पे कुछ लोग मिले जो कि मेरे सब्सक्राइबर है भाई, और देख के पहचान गए, काफी बढ़िया लगा। और देखिए ये भाई लोग खड़े हैं, और बीकानेर से भाई लोग हैं, अभी पेंटर का काम करते हैं। तो हेलो भाई, हाय, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पेंटर है, मैं सजी चारनोला से हूँ। ओके ओके ओके, तहसील बीकानेर जिला। जी जी, अच्छा। तो भाई लोग से, और भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम जेठाराम है। ओके, आपका? सतपाल। सतपाल जी। तो भाई कुछ लोग, मतलब कुछ ऐसे लोग मिले भाई, सब्सक्राइबर है मेरे, काफी बढ़िया लगा मिलके कि हाँ भाई कुछ लोग मुझको देखते हैं, और काफी अच्छा लगा। तो अभी जस्ट ये भारतमाला एक्सप्रेसवे में चल रहा था, और भाई लोग अपनी कार यहाँ पे खड़ी किए, खड़ी किया वो निकल गए थे उधर, उसके बाद बैक करके फिर से आए और मिले, तो काफी बढ़िया लगा भाई लोग से मिलके। तो अभी भाई लोग से कुछ टाइम तक बात करेंगे, उसके बाद बात करने के बाद ना फिर से आगे राइड को स्टार्ट करेंगे, तो बने रहे ब्लॉग में। हे यार गाइस, जस्ट अभी चल रहा था और भाई दोनों को साइड में इधर खड़ा करके कुछ फोन वगैरह चला रहा था, और जस्ट भाई लोग आगे निकल गए थे और उसके बाद फिर से अपने गाड़ी को उधर से बैक करके आए भाई लोग। तो अभी रुकने की बारी आ चुकी है, और मौसम क्या ही बताऊं, एकदम मस्त है यार। देखो इधर कितना प्यारा दिख रहा है, चारों तरफ ना एकदम गजब, ऐसा लगता है मतलब इधर से ना राजस्थान को शाम को लगता है कि ना जाए, और दोपहर को लगता है भाग जाए शाम को। देखो ना इधर साइड में, अभी इधर गेहूं की कटाई हो रही है, गेहूं जो है बोझ पड़े हुए हैं, और भाई क्या ही मतलब एकदम गजब। तो अभी आगे चल रहे हैं और देखते हैं कहाँ पे रुकना होता है, फिलहाल कोई बढ़िया जगह मिल जाएगी आज। उसका रीजन है कि इधर होटल मिल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, और सामने का नजारा भी बहुत बढ़िया, बढ़िया सा ढाबा, मतलब बढ़िया सा क्या, कुछ भी यार चलेगा, ठीक है ना। तो वहाँ पे चल के हम लोग रुकते हैं, तो ठीक है बने रहे ब्लॉग में, चलते हैं आगे। तो फिलहाल गाइस आ चुके हैं एक ढाबे पे, और भाई क्या ही बढ़िया लोकेशन है यार, इधर देखो धन्नो को मैंने साइड में खड़ा कर दिया, और इधर रख दिया है। हेलो भाई, तो अभी वे भाई जो है ना होटल के ओनर है, तो हेलो भाई क्या नाम है आपका? सुभाष। तो
भाई का नाम सुभाष है और इस जगह का नाम क्या है भाई? ये गोडू है, गोडू गांव। ओके गोडू। तो अभी फिलहाल इधर कुछ भैया लोग बैठे हैं। हेलो भैया लोग, कैसे हैं आप लोग? भी इधर से हैं? ओके, तो भाई लोग भी इधर से हैं। तो फिलहाल आज नाइट जो रुकने वाला हूं तो यहीं पे रुकने वाला हूं, और ये कुछ खाट वगैरह है तो इधर बैठेंगे और खाना वाना खाते समय सारा कुछ दिखाएंगे, तो बने रहे ब्लॉग में। मिलते हैं। गाइस अभी आके बैठे थे कुछ टाइम रेस्ट करने के बाद ना, अभी भैया लोग की तरफ से देखिए कुछ जूस मिल रहा है पपीते का, मतलब कि पपाया का। और ये देखो भाई बढ़िया से पीते खाते हैं, एकदम चिल करते हैं। तो आना, अगर खाना है तो आ जाइए, मतलब पीना है तो आ जाइए, ठीक है? तो बने रहे ब्लॉग में।